वारासरी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोचीवाई के बाजार चौक से बंडल टोला मार्ग की जर्जर स्थिति व कीचड़ से दलदल से आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा 4 अगस्त को मार्ग पर धान का रोपा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने मार्ग पर उपस्थित होकर जमकर आक्रोश भी दिखाकर पूरे मार्ग पर धान के रोपे लगाकर पंचायत व शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही अनदेखी पर ध्यान आकर्षण करते हुए मार्ग को आवागमन के लिए सुगम बनाए जाने की मांग की गई। आपको बताया कि ग्राम पंचायत कोचीवाई के बाजार चौक से मार्ग सीधा बंडल टोला, नरोड़ी, महाराजपुर, सुकुटोला, नारवांज पार, बुदबुदा, धानी टोला तक आता है, जहां से सैकड़ों ग्रामीण प्रतिदिन अपनी जरूरत के अनुसार कोचीवाई या फिर कटंगी के लिए आवागमन करते हैं। उक्त क्षेत्र में कोचीवाई एकमात्र बड़ा बाजार है, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी जरूरतों की वस्तु लेने या प्रतिदिन सब्जी बाजार करने और किसान अपने खाद, बीज, कृषि उपकरण के लिए आना जाना करते हैं। वर्तमान में बीते करीब एक सप्ताह से अधिक का समय हो गया, लगातार बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में कच्चा मार्ग होने से उस मार्ग पर अत्यधिक कीचड़ बना हुआ है और मार्ग का कई वर्षों से निर्माण न होने के कारण पानी निकासी की व्यवस्था न होने से मार्ग में वाहनों के आने जाने से भयंकर अब दलदलनुमा यह मार्ग हो चुका है। ऐसे में साइकिल, मोटरसाइकिल या पैदल चलने वालों को इससे भारी समस्या के साथ ही दुर्घटना का यह केंद्र उक्त स्थान पर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा किसान व विद्यार्थियों को इसकी परेशानी है, क्योंकि इसी मार्ग पर किसानों की खेती स्थित है। वहीं बंडल टोला, नरोड़ी, सुकुटोला, नारवांज पार सहित अन्य ग्राम और टोलों में निवासरत बालक बालिकाएं शिक्षा अध्ययन करने के लिए कोचीवाई के माध्यमिक स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल में आते हैं। इस समय कीचड़ से उनके यूनिफॉर्म्स खराब हो जा रहे हैं, जिनके कारण उन्हें वापस भी लौटना पड़ता है। कभी कभी यहाँ दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। ये सब गाँव की जनता परेशान है, सब आक्रोशित हो चुकी है यहाँ के सरपंच के कार्यकाल से। घरों पर है, घरों पर है। ये ग्राम पंचायत कोचीवाई से बाजार चौक से बंडल टोला रोड है, जिसमें पूरी पूर्णतः खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से ग्राम के नागरिक और यहाँ के आसपास के जितने संपर्क में आते हैं ये परेशान होने, यहाँ से न बच्चे का आवागमन है, न साइकिल का है, न मोटरसाइकिल का है। मार्केट आने के लिए भी दूर, बहुत दूर से आना पड़ता है। यहाँ पर यहाँ की पंचायत और जो पंचायत से संबंधित सभी, चाहे सरपंच हो, सचिव हो का या रोजगार सहायक हो, इन्हें पूरी तरह लापरवाही बरतते हुए इस यहाँ पर कोई काम नहीं किया है, जिससे यहाँ की जनता आक्रोशित होकर के इस रोड में पहरा लगाने का काम कर रहे हैं। अतः ये स्थिति क्यों ऐसी बनी, क्यों राणा जी ये स्थिति कैसे बनी है? ये बहुत दिनों से हमने सरपंच को बताए, पंचों को बताए, प्रशासन को बताए कि भाई इस रोड को बारिश के पहले बनाओ, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब बारिश के चलते यहाँ से आना आवागमन बंद हो गया, बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए, यहाँ से आए दिन गाड़ी वाले गिर रहे हैं, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि बहुत परेशानियाँ जा रही है। बिल्कुल, यहाँ से तो कोई बच्चे नहीं, क्या है चरागाह है, यहाँ से जानवर चराने बच्चे जाते हैं तो वो गिर रहे हैं, इतनी दिक्कतें हैं कि जिसकी हद नहीं, क्या करेंगे यहाँ से। ये तो बाजार का भी संपर्क रोड है, यहाँ से बहुत 3-4 गांव के लोग यहाँ से कंटिन्यू जाना आना करते हैं, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरपंच ने कोई ध्यान नहीं दिया, सरपंच ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, आए दिन दिक्कत। हम बनाए लेकिन उसने भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नाली भी का काम नहीं हुआ, नहीं तो सरपंच बोले, हाँ बोले धमकी देते हो, कोई नहीं ऐसा बोल रहा, मैं क्या करूँगा कहता है। घर के आसपास नाली बना दी है पर काम नहीं हुआ है। सर मेरी यहाँ बाजार चौक से 200 मीटर पे मेरी राइस मिल है, ये रोड इतना खराब हो गया है कि पूरा आवागमन अवरुद्ध है, किसान लोग आ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी समस्या किसानों की छोड़ो, स्कूल के बच्चे भी आना जाना दुभर हो गया उनका। प्रशासन के यहाँ के पंचायतों को सबको तो अवगत कराया, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए सब मिलकर ये आगे अपन कुछ कार्यवाही करना चाह रहे हैं। अब शासन प्रशासन इस पर कार्यवाही अगर ना करे तो और इसके आगे कुछ करेंगे। समस्या ये है, यह मार्ग कोचीवाई बाजार चौक से बंडल टोला और नरोड़ी को जोड़ता है, ये बुदबुदा तक के, धानी टोला तक का इस मार्ग से आवागमन होता है।
तो वीज़ा ये है कि इस रोड की इतनी जर्जर हालत हो गई है कि यहाँ बड़े बड़े गड्ढे, ना साइकिल जा पा रही है, ना पैदल से आवागमन हो पा रहा है, और कोई वहाँ नहीं जा पा रहा है। यहाँ से बच्चों का भी, स्कूल के बच्चों का आवागमन बंद हो गया है। अब इस और यहाँ की जनता पूरी आक्रोशित हो गई है। अब इस वजह से यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की स्थायी जो पब्लिक है, वो बिल्कुल आक्रोशित हो गई, क्योंकि इन लोगों ने इस पंचायत में कई बार यहाँ के निवासियों ने अवगत कराया कि इस रोड का मुर्मीकरण किया जाए, तो यहाँ के पंचायत ने आज तक के ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ के नागरिक जो रहने वाले हैं, तो उन लोगों ने इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे आए दिन कोई ना कोई गिर रहा है, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल के बच्चे गिर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर पहरा लगा दिया। पहरा इसलिए लगाया गया है कि ग्राम पंचायत का और शासन प्रशासन की आंखें खुले और इस रोड का पुनः से कुछ जल्द से जल्द पुनः निर्माण हो, है ना। इस वजह से इस रोड पर यहाँ के नागरिकों ने आक्रोशित होकर के, परेशान होकर के पहरा लगा दिया गया। अब इसमें इस गांव का जो सरपंच है और इस गांव की जो पंचायत है, चाहे सरपंच हो या फिर इससे रिलेटेड सचिव हो, इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है।